देखो जी, आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते का सालन। सबसे पहले दो प्याज लिए और कटिंग कर लिए, टमाटर, मिर्चें और लहसुन अदरक, और ये KSN के कोफ्ते, ये चिकन के होते हैं और मैं बनाऊँगी मट्टी की हांडी में। और मैंने इनको कटिंग किया, टमाटर, मिर्चें और अदरक लहसुन को। कटिंग करने के बाद मैं इसे करूँगी ग्रैंड, क्योंकि इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो जब ग्रेवी अच्छी बनेगी तो फिर सालन भी अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसको करने लगी हूँ ग्रैंड, और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना डालूँगी सोया सॉस, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी क्या कहते हैं सिरका। सिरका डालने के बाद जो है इसमें, अगर पानी आपने ऐड करना है तो ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। ये देखें, तो 1 मिनट के 1 मिनट से पहले ही ये ग्राइंड हो चुका है, और अब मैं इसको जो है एक बर्तन में निकाल रही हूँ। तो साथ ही जी मैंने जो है फ्लेम ऑन कर लिया, और ये जो मिट्टी की हांडी है, आज इसमें दिल कर रहा था बनाने को, तो मैंने इसको अच्छी तरह धोया। धोने के बाद अब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। इसका बहुत फ़ायदा है, इसकी तासीर बहुत अच्छी है इस हांडी की। पहले तो सभी इसी में बनाते थे, और अब तो बड़े बड़े ब्रांड के जो है ना बर्तन आ गए हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं, तो लेकिन हम लोग तो इस्तेमाल वही करते हैं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था इसमें बनाऊँ, तो ये मैंने सबसे पहले इसकी एक्सपायरी चेक की। ये चिकन के होते हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी ही होते हैं, बस थोड़ा सा ही इनको पकाना होता है। ये देखिए ज़बरदस्त से कोफ्ते हैं, ये 12 थे तो मैं इसमें से 6 बना रही हूँ शाम के लिए, इफ्तारी के लिए। तो ये मैंने प्याज ग्राइंड नहीं किए, मैंने कहा ऐसे ही इनको बारीक बारीक कटिंग कर लेती हूँ तो ये हो जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा करेंगे तो जल जाएंगे। तो मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड किया, और इसमें मैंने ये चम्मच हिलाया। तो अब मैं इसके अंदर जो है कोफ्ते डालूंगी। ये चिकन के कोफ्ते हैं, बीफ के नहीं हैं ये। तो वैसे तो मैं हिलाती नहीं हूँ, लेकिन ये फ्रीज़ किए हुए थे, आप बनाने से पहले इसे फ्रीज से बाहर, मतलब फ्रीज से बाहर निकाल लें, ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें डाले हैं, और जैसे ही ये हल्के से जो हैं ब्राउन होंगे, ये तकरीबन हो गए हैं ब्राउन, अब मैं इसमें ये पेस्ट, अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ, और 2 हरी मिर्चें साबुत भी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, और हाँ जो है ना मज़े के लिए, मतलब डाल रही हूँ कि देखने में हांडी की शक्ल भी अच्छी लगे। तो आप इसको वैसे भी हिला सकते हैं हांडी को, लेकिन मैं चम्मच के साथ हिला रही हूँ। ये चम्मच बहुत हल्का सा, इससे आपकी बाजू भी नहीं थकती, और आप वैसे भी नहीं, हाथ भी नहीं थकता आपका ना हिलाने से, और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। और ये मैं अपने इसमें मसाले डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और क्या कहते हैं कुटी हुई मिर्च। ये देखें, ये हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल गल चुका है और ये पक रहा है, और अब मैं इसमें ये सारे मसाले जो है वो मैंने ऐड कर दिया, और नमक थोड़ा सा कम ही किया क्योंकि मैंने पहले भी डाला है, और कोफ्तों में भी सारे मसाले तकरीबन होते हैं। तो ये हल्का सा बिल्कुल जो है ना, थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच पानी डाल दिया इसमें मसाले के लिए। तो इस हांडी का ये फ़ायदा है कि ये देर तक सालन भी गर्म रहता है, और चूल्हा बंद भी कर दे तो ये पकता ही रहता है। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही, मैं सिर्फ़ एक दो प्लेटें बना रही हूँ शाम शाम के लिए। और ये मैंने अभी फ्लेम हल्की करनी है, हल्की कर दी है, और इसके ऊपर मैंने ढक्कन ढाँप दिया है। ये जब तक रेडी होते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल इसकी ग्रेवी बन चुकी है, और ये पक रहे हैं, ये आप देख लें कितने ज़बरदस्त हैं। अभी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है ना, तो वो इतने अच्छे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, वैसे रियल में ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है, तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, आप इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक अदरक भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया क्योंकि रोज़ा है तो फिर घबराहट होती है रोज़े के बाद ना। तो बस मैंने सिर्फ अच्छा लगने के लिए इसमें धनिया ही ऐड किया है, और अब मैंने फ्लेम कर दिया बंद। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। पहले तो मैं घर के ही बनाती हूँ बीफ के, तो आज मैंने कहा चलें ये बना लेती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ साथ में फ्रूट चाट, ये मैंने फ्रूट चाट बनाया, क्रीम वाला भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज वैसे ही बनाया सादा। तो इसमें सिर्फ मैंने फ्रूट चाट मसाला ऐड किया, और मैंने कुछ भी नहीं डाला। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के जो जो आपको पसंद है फ्रूट, आप वो ले सकते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए।